तो भाई वो दिन आ चुका है जब मोटा ब्रो ने छोड़ने वाला है यहाँ पे बूट कैंप पे। तो मोटा ब्रो मैं मेरा ये पीस बहुत मिस कर रहा हूँ गाइस, इधर जो मैंने खेला था ना भाई मस्त खेला था भाई। हेलो गाइस कैसे हो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी अभी मैं उठा हूँ, अब आज मैं जा रहा हूँ घर, जो कि मैं बूट कैंप छोड़ के जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस अभी रेडी होते हैं एंड चलो देखते हैं क्या होगा। हेलो गाइस अभी तो मैं फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, तो गाइस चलो अब जा रहा हूँ मैं नेपाल बूट कैंप छोड़ के। और मैं मेरा ये पीसी बहुत मिस करूँगा गाइस, इधर जो मैंने खेला था ना भाई मस्त खेला था भाई। आप लोग बोलोगे हैकर है पर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये इधर बूट कैंप का ही पीसी है ना, इसलिए गाइस। और क्या बोले इस देखते मिस करूँगा बहुत बूट कैंप को। फिलहाल तो फिर से आ जाऊँगा मैं, कोई बात नहीं, पर फिर भी मिस करूँगा गाइस। और मैं इतना डर कर रहा हूँ पता नहीं क्यों। चलो गाइस अब देखते हैं एंड नीचे जाके सबसे मिलते हैं। एंड अभी तो मेरा फिलहाल बैग ही लाइक पैकिंग सब हो चुका है एंड बस जाना है। एंड मेरा आज 2 बजे का फ्लाइट है, 2 बजे का फ्लाइट है, तो हमको 2 घंटे आगे मतलब 3 घंटे आगे जाना पड़ेगा। चलो गाइस उधर ही मिलते हैं। तो भाई वो दिन आ चुका है जब नोटा ब्रो हमें छोड़ने वाला है यहाँ पे बूट कैंप पे। तो नोटा ब्रो कैसा लग रहा है भाई तुम्हें, जाने वाले हो तुम? हाँ जी क्या एक्टिविटी यार मेरे को बहुत कैसा फीलिंग्स आ रहा है। क्या क्या मिस करोगे यहाँ से जाओगे? पहले तो आप लोग को मिस करूंगा मैं सबसे पहले तो, एंड फिर इधर का मौसम मौसम पसंद आया या फिर और क्या कि उधर भी तो ऐसा रहता होगा। अपने रूममेट यादव को मिस नहीं करेगा? हां यादव भाई जब से आया तूने इसको सुखा दिया। यादव भाई का पिछवाड़ा मिस कर यादव भाई का पिछवाड़े मिस कर तो टाइम वो आ चुका है भाई, चलते हैं बूट कैंप को लीव करने का। बूट कैंप को यहां पे यार तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो मेरा पसीना बहुत आ गया था, इतना आ गया था कि मेरा पूरा टी शर्ट ही भीग गया था। तो गाइस क्या हुआ था कि लाइक जब बूट कैंप से एयरपोर्ट जाने तक हम मेरे को मामा जी एंड नॉस्टा भाई ने ड्रॉप किया था, एंड उस वक्त ऑलरेडी लेट हो चुका था, मतलब लेट नहीं हुआ था, हम टाइम में ही निकल गया था, बट बीच में दिल्ली के जाम की वजह से हम बहुत लेट हो गया था। एंड इसलिए भी गाइज हमारा फ्लाइट मिस होने वाला था, बट हम गया एंड एयरपोर्ट में गया वो भी पूछने के लिए गया। एंड फिर वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने बोला लाइक उधर होता था ना ABCDE वो बोर्ड लाइक बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो गाइज मेरे को उधर एक ऑफिसर ने बोला ए पे जाओ ठीक है। तो गाइज मैं लाइक जल्दी से जल्दी ए में गया एंड लाइक मेरे को पता भी नहीं था ना, मेरा इंटरनेशनल लाइक इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं ए पे गया था। एंड पता नहीं क्या सीन है बट ए जब ए में गया था तो उस वक्त उधर मैंने पूछा एंड वो बोल रहे थे कि बोर्डिंग पास उधर मिलता है, उधर उधर इधर नहीं मिलता है। लाइक फिर मेरे को एच में मिलेगा बोला ठीक है उधर का एक स्टाफ ने, तो उधर बोला कि एच में मिलेगा आप एच पे जाओ।
तो आप लोग गेस करो ए से एच तक कितना लंबा होगा गाइस। तो लाइक मैं ए से एच तक फिर से गया, ठीक है, और लाइक दौड़ते दौड़ते गया, टाइम भी बहुत कम था मेरा 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 लाइक बोर्डिंग पास टाइम बहुत कम था, मतलब पास पार हो चुका था, पर फिर भी मैं इतना होप नहीं हार के मतलब जल्दी जल्दी जाके लाइक एच पे गया, बट एच पे देखा कोई नहीं है एच पे, मैं तो और कंफ्यूज यार, क्या मेरे को चुतिया बना रहा है या क्या बना रहा है पता नहीं। एच पे गया कोई नहीं था, एंड फिर मैंने उधर एक स्टाफ को पूछा जो इधर ही रोम करते थे, तो उसको पूछा मेरे को भी मालूम नहीं है, उधर एक हेल्प सेंटर है उधर जाके पूछो। तो गाइस जहाँ मैं गया हेल्प सेंटर, और वो लोग ने बोला कि लाइक इधर जाओ एंड इधर जाओ, एंड मैंने बोला लाइक एच पे जाओ बोला, ठीक है, एंड ऑल्सो ए पे जाओ बोला था, मैंने बोला मैं ए में गया था बट उधर से ही मेरे को एच में जाने के लिए बोला। एंड फिर उसके बाद उसने बोला एच में नहीं है क्या बोला, एंड मैंने कहा कि हाँ एच में तो अभी फ़िलहाल सब खाली है, तो वो भी बोला सब खाली, हाँ तो सब खाली है तो क्या करें, ऐसा बोला। पता नहीं क्या सीन है यार, क्या सीन है, बट नेपाल होने लाइक नेपाली होके शायद ऐसा कर रहा है या क्या कर रहा है, बट पता नहीं गाइस। एंड लाइक फिर से मैं ए पे गया, ठीक है, ए पे गया, एंड लाइक मैंने तो दो तीन बार ही ए टू एच, एच टू ए टू एच किया, पता है आप लोगों को, मेरा इतना ऑलरेडी स्वेट हो चुका था, इतना पसीना आ चुका था, पर फिर भी मैं लाइक दौड़ के इधर से उधर उधर से इधर हो रहा था। एंड फिर उसके बाद मैं ए में गया, एंड ए के लेफ्ट साइड में एक था उधर था, तो मैंने पूछा लाइक नेपाल फ्रॉम इन दिल्ली टू नेपाल काठमांडू, यू नो काठमांडू इस इधर जाने तक कितना लाइक कब है बोर्डिंग पास, क्या करना पड़ेगा, ऐसा मैंने पूछा था। उसने बोला ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी क्लोज हो चुका है गाइस। वो लोग बोल रहे थे कि लाइक ऑलरेडी क्लोज है गाइस, जब मैंने पहले पूछा वो लोग ने बोला एच पे जाओ, एंड जब फिर से मैं ए में आया लास्ट में वो बोला क्लोज है। तो गाइस मैंने जैसे भी रिक्वेस्ट करके मैंने लाइक प्लीज़ 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 ही कह के वो लोग ने ठीक है तुम ही लास्ट पैसेंजर हो लाइक ऐसे बोल के गाइस मेरे को लाइक बोर्डिंग पास दे दिया। फिर उसके बाद जो उधर लाइक काउंसलिंग होता है ना, लाइक पूछते हैं इधर कहाँ रहते हो, इधर से लाइक काठमांडू क्यों जाने चाहते हो, ऐसा ऐसा पूछता है ना, तो लाइक उधर बहुत बड़ी लाइन था। एंड लाइक मेरे को अच्छा भी हुआ, मेरे को लाइक भगवान ने भी देख लिया, उधर मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मेरा फ्लाइट मिस होने वाला है, तो मेरे को अगर आप अलाउ कर सकते हो तो मेरे को आगे जाने दो। तो फिर उधर बहुत अच्छा लोग था, मेरे को सब ने आगे जाने दिया, एंड मैं आगे जाके लाइक जल्दी से जल्दी करके लाइक दौड़ के फुल दौड़ के मेरा वो में गया नंबर पे जहाँ प्लेन लाइक टेक ऑफ होता है, एंड उसके बाद उधर मैं गया फुल दौड़ के गया, ठीक है, एक बार भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, एक बार भी मैंने लाइक बैठ के कुछ रेस्ट नहीं किया, सिर्फ दौड़ के। आप लोग गेस करो दिल्ली कितना बड़ा है, लाइक दिल्ली का एयरपोर्ट कितना बड़ा है, मैं इतना दौड़ के गया, एंड फिर एट लास्ट क्या हुआ था, क्या हुआ था पता है गाइस, प्लेन ही डिले हो गया था यार। मैं तो शुक्र था यार भगवान ने मेरा सुन लिया या क्या मेरे को देखा, प्लेन डिले हो गया था, तो मैं कुछ देर रेस्ट किया। मैं आफ्टर लाइक मैं रेस्ट करने के बाद फिर अच्छे से फ्लाइट पे चला गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, और जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो चैनल को गाइज, एंड जल्दी से जल्दी 200K करा दो यार गाइज यार।